ये देख सकते हैं आप लोग, मेन गेट है भृगु बाबा आश्रम और चरणपादुका की पूजा होती है यहाँ पर, इस चरणपादुका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं इस समय हूँ बलिया में और आप लोग को इस ब्लॉग में दर्शन कराने वाला हूँ भृगु जी का। बलिया में भृगु जी का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं, आप लोग को भृगु ऋषि जी का दर्शन कराते हैं और भृगु जी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग पहुँच चुका हूँ भृगु बाग, जहाँ मंदिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और इस साइड में है होटल एंड रेस्टोरेंट भृगु बाग, जहाँ पर मेन गेट बना है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, ये आप लोग देख सकते हैं सामने। और इस साइड में देख सकते हैं आप लोग होटल सिंघाल एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ, इसके जस्ट बगल में पिज्जा पॉइंट है। और रोड पे काफ़ी भीड़ है भाई, इस समय 4:15 बज रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, मेन गेट है भृगु बाबा आश्रम का, या कहिए उनके मंदिर का। देखिए आप लोग, लिखा गया श्री महर्षि भृगु मुनि मंदिर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। और ये पूरा मेन गेट देख सकते हैं आप लोग, गेट के जस्ट बगल में दोनों साइड में आप लोग देख सकते हैं इस साइड में। चलिए मैं चलता हूँ आगे, पर एंट्री करते ही आपको दोनों साइड में देख सकते हैं आप लोग, यार मिठाई की दुकान है। और यहाँ पर देखिए इस साइड में बच्चे खिलौने के लिए चूड़ियाँ और भी चीज़ें, इस साइड में देख सकते हैं आप लोग रामायण प्रदोष, ये सब चीज़ें यहाँ पर, फोटो भी मिलता है और प्रसाद भी यहाँ पर मिलता है। और धूप जानते हैं आप लोग बहुत तेज़ हो रही है, अब देख सकते हैं दोनों साइड में, दोनों साइड में आपको प्रसाद की दुकान, बच्चों खिलौने का और चूड़ी और भी लेडीज़ का जो सामान है थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों को देखने का मतलब कार्यक्रम भी होता है, यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को इस साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक सूचना, ठीक है मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो भी श्रद्धालु देख सकते हैं आप लोग, लिखा मंदिर परिसर में बाहर बैठकर देखा सुनी आदि करने वाले श्रद्धालु यात्रियों से किसी प्रकार की धनराशि की वसूली नहीं की जाएगी, यदि मांगते हुए कोई कतई न दे और उसकी सूचना मंदिर समिति के मंत्री को दे। मतलब अगर कोई पैसा मांगता है तो जो समिति के मंत्री हैं उनको सूचना दे। और जस्ट सामने है भृगु बाबा जी का मंदिर, तो चलिए चलते हैं आगे और यहीं पर आप जूता निकाल करके एंट्री करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में लिखा गया है पुरुष प्रवेश द्वार और उसके जस्ट बगल में लिखा गया है आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में। चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को भृगु बाबा का दर्शन कराते हैं। और जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पंडित जी लोग पूजा करते हैं अपना, दोनों साइड बैठे रहते हैं। और सामने है बाबा जी का, उनका चरण पादुका है, उन्हीं चरण पादुका का, बाबा जी के चरण पादुका का ही पूजा किया जाता है। ये सामने आप लोग देख सकते हैं इस साइड में, यहाँ पर इस चरण पादुका, उसके जस्ट बगल में भृगु बाबा जी का यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। और देख सकते हैं आप लोग, उसके जस्ट बगल में है दरदर ऋषि का मूर्ति, जो उनके शिष्य थे, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं और पास से दिखा देता हूँ आप लोग को, पहले दरदर ऋषि के नाम पर ही मेला लगता था, अब भाई धीरे धीरे नाम चेंज हो गया और ददरी नाम से यहाँ पर जानते हैं आप लोग मेला लगता है। और इस साइड में देख सकते हैं आप लोग श्री हनुमान जी का मंदिर है, ये देख सकते हैं, जय श्री राम। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए हवन कुंड बना है, इस साइड में देख सकते हैं आप लोग। और उसके जस्ट बगल में है माता जी का मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग, माँ भगवती मंदिर में देख सकते हैं आप लोग, ये माँ भगवती जी का यहाँ पर ये मंदिर है। जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए और दर्शन भी कर लीजिए, ये छोटा सा गेट भी बना है। चलिए मैं आप लोग को उस साइड का व्यू दिखा देता हूँ। और इस साइड में आप परिसर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फैन काफ़ी सारे लगे भाई, आप जानते हैं लड़के और लड़कियों को देखने का कार्य भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी एरिया में सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मैं काफ़ी देरी से यहाँ पर रुका हुआ था भाई। ये देख सकते हैं ओम विश्वकर्मणे नमः, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर लिखा गया जय विज्ञान और इस साइड में लिखा गया जय विश्वकर्मा, ये देख सकते हैं आप लोग।
और इधर है शिव मंदिर, और इस साइड में है पानी पीने की व्यवस्था, टंकी आप लोग देख सकते हैं, उधर भी है कुआं है, उसमें भी लगा है टोटी लगाया गया भाई। और ये महादेव जी का मंदिर है, ये आप लोग देख सकते हैं, जय हो नंदी बाबा। आप लोग देखिए यहाँ पर घड़ा रखा गया है भाई, ऊपर भी एक घड़ा देख सकते, ऊपर टांगा गया है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और इस तरह से भी घड़ा रखा गया है, सब में से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है और देख सकते हैं, और एक पाइप जैसे कह लीजिए उसको बना करके लगाया गया है, जो देख सकते हैं आप लोग भगवान शिव के ऊपर गिर रहा है बूंद बूंद कर करके, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ यहाँ पर मटका है भाई, सभी में से पानी टपक रहा है और जा करके शिव जी के ऊपर गिर रहा है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी आप लोग देख सकते हैं लगाया गया है, और इस साइड में भी शंकर जी का मंदिर है छोटी सी, ये पूरा अंदर का व्यू है। और चलिए आप एक बाबा हैं उनसे बात करते हैं और भृगु ऋषि जी के बारे में जानते हैं। तो बाबा आप भृगु जी के बारे में बताइए, पहले अपना आप नाम बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा है जी, आप यहीं पर बाबा जी का सेवा करते हैं। हम लोगों का मकान है जी जी, और हमारे पूर्वज और हम लोग ये भृगु जी की सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो कई पीढ़ी हमारी बीत गई उनकी सेवा करते हुए, बाबा जी की सेवा करते हुए जी जी। तो बाबा जी आप थोड़ा भृगु जी बाबा जी के बारे में पूरा थोड़ा डिटेल से बताइए, जिससे लोग जान सके भृगु जी बाबा के बारे में। ऐसा है कि भागवत पुराण में इनकी कथा है जी, नैमिषारण्य क्षेत्र है ये जी, लखनऊ सीतापुर के आगे, तो जैसे हम लोगों का दिल्ली में धर्म ये संसद है, कोई कानून पारित करना होता है तो सांसद लोग इकट्ठा होकर करते हैं, उसे हम लोग का धर्म संसद नैमिषारण्य है। अच्छा, धर्म संसद नैमिषारण्य जी। नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषि लोग जी जी इकट्ठा हुए थे जी, और आपस में तर्क कर रहे थे कि त्रिदेवा में बड़ा कौन है जी, ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव में जी, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर भगवान को बड़ा मान रहा था, तो ये हुआ कि भाई तीनों में कोई बड़ा तो होगा ही जी, तीनों में बड़ा कौन है, तो ये हुआ कि इन लोगों की परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए भाई परीक्षा जो लेगा वो विद्वान होगा वही ना लेगा जी जी, जो श्रेष्ठ होगा वही, तो ऋषियों में महर्षि भृगु मैं ही हूँ गीता में कृष्ण भगवान ने कहा जी, तो भृगु जी को लोग नियुक्त किए, यही परीक्षा लेने के योग्य हैं जी। तो भृगु जी गए हैं पहले अपने पिताजी के पास, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जी जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो गए हैं तो उनके आसन पर बैठ गए जी, और जब उनके पिताजी आए गंगा स्नान करके तो उनको प्रणाम भी नहीं किया जी, तो बड़ा क्रोधित हो गए और उनको श्राप देने के लिए कमंडल से जल निकाल कर सोचे कि ऐसे पुत्र के रहने से क्या फायदा जी, भृगु जी को, भृगु जी को जी, इसको जला कर मार भस्म कर दे जी जी। तो उनको लोगों ने रोक दिया कि भाई भृगु जी कोई मूर्ख तो है नहीं, ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं किया, ऐसा आज क्यों कर रहे हैं जी। तब उन्होंने आसन से उठकर प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया और कहा कि आप में क्रोध भरा हुआ है जी जी, और बिना सोचे समझे आपने हमको श्राप देने की कोशिश की है जी, इसलिए आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए, आप पूजा के योग्य नहीं हैं जी। तो ब्रह्मा जी परीक्षा में फेल हो गए। अच्छा, फिर गए हैं शंकर भगवान के पास जी, तो शंकर भगवान सोचे कि इनको अपने आलिंगन में ले लें जी जी, तो उन्होंने कहा कि दूर हटी श्मशान की विभूति लपेटे हुए हैं, आप मुझके स्पर्श करेंगे तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा। भृगु जी को बोले, भृगु जी शंकर भगवान से बोले, भृगु जी अच्छा कि आप हमको छुएंगे जी जी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, आप श्मशान की विभूति लपेटे हुए हैं जी। तो शंकर भगवान भी बड़ा क्रोधित हो गए और त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े, तब तक पार्वती जी ने उनको रोक दिया। अच्छा अच्छा, तब इन्होंने अपने आने का कारण बताया, कहा कि आप में भी क्रोध भरा हुआ है, आप पूजा के योग्य आप भी नहीं हैं जी, तो शंकर भगवान की भी मूर्तिगत पूजा नहीं होती है, विष्णु भगवान की भी हम लोग कुश की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा एक प्रतिमा है पुष्कर में जी, एक ही है मंदिर उनका ब्रह्मा जी का, उसके पास विष्णु भगवान के पास गए जी, तो लक्ष्मी जी से कहा कि आप जगा दीजिए जी, भृगु जी आए हैं, उन्होंने कहा कि सोए हुए पति को पतिव्रता स्त्री
जगाती है तो पाप लगता है, आप खुद जाकर जगा लीजिए जी। तो गए हैं तो उनके वक्ष स्थल पर लात मारे हैं उन्होंने, भृगु जी ने मारा लात। हाँ जी। तो विष्णु भगवान उठकर उनका चरण सहलाने लगे जी और कहे कि दुष्टों का संहार करता करते करते मेरा छाती वज्र के समान कठोर हो गया, आपका मुलायम, आपकी चोट लगी है जी। तो भृगु जी बड़ा लज्जित हुए, कहे कि ये तो महान व्यक्ति है, कोई कर सकता है जी जी। तो परीक्षा में विष्णु भगवान पास हुए हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शालिग्राम के रूप में जी, या ब्राह्मण समाज के जितने विद्वान लोग हैं जो भी जप तप करते हैं जी जी, सभी विष्णु को ही अर्पण होता है। मतलब जैसे सभी नदियाँ जी जी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, उसी तरह हम जितने जप तप करते हैं किसी भी देवता का, लेकिन अर्पण विष्णु को ही होता है। लेकिन लक्ष्मी जी ने उन्हों देखा नहीं गया कि हमारे ही सामने हमारे पति का अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दिया है कि जाइए जी, आपके वंशज जो है दलित रहेंगे। अच्छा, भृगु जी जी ब्राह्मण लोग जी जी, जो ब्राह्मण वृत्ति रहता है तो ब्राह्मण गरीब ही होता है जी। उन्होंने कहा कि आपने हमने गलती की और मेरे पूरे समाज पूरे पूर्वजों को ये श्राप दे दिया, हमारे वंशजों को जी जी, से जाइए आप उन्हीं ब्राह्मण के चरणों में निवास करेंगे जी। तो ब्राह्मण को पाव पूजी वगैरह का कार्य जो है जी होता है, प्रायश्चित तो लगा ही है जी। परीक्षा भले ही हमने लिया है लेकिन प्रायश्चित लगा है जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमको कोई उपाय बताइए कि प्रायश्चित दूर हो जाए जी। तो उन्होंने एक मृगशाला दिया और कहा कि आकाश मार्ग से होता हुआ जाएगा, जहाँ पवित्र भूमि होगी वहीं तपस्या करिएगा जी। तो भागवत पुराण में नर्मदा के किनारे लिखा है कि तपस्या किए थे, यहाँ भी गंगा जी के किनारे किए होंगे, तो यहीं तपस्या किए, यज्ञ किए और उसी यज्ञ और तपस्या की जो राख हवन वन का जो था जी जी, था जो भी अवशेष था जी, वो चरण पादुका में जी जी रखा गया है और वही चरण पादुका की पूजा होती है। यहाँ पर चरण पादुका की पूजा होती है भृगु बाबा की। हाँ अच्छा अच्छा बाबा, मूर्ति तो दर्शन के लिए रखा गया। अच्छा, मूर्ति बगल में दर्शन कर। हाँ, विष्णु भगवान ने कहा है कि जब जब मैं अवतार लूंगा तब तक भृगु जी के चरणों का निशान मेरे सीने में नहीं रहेगा तो मेरा अवतार नहीं माना जाएगा जी। तो विष्णु भगवान का चरणों का चिन्ह जो है भृगु जी के चरणों में हमेशा रहता है। गोपाल जी की मूर्ति वगैरह खरीदने जब जाएंगे जी, उनके सीने में पैर का निशान रहता है, आप देखेंगे। अच्छा, ये बात नहीं जानकारी थी बाबा। तो विष्णु भगवान की भी पूजा हो जाती है जी, और भृगु जी की भी पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, और गंगा स्नान करके भृगु जी को जल चढ़ाते हैं। तो लिखा गया है कि कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और कोटि कोटि के देवता जी जी यहाँ आते हैं और खुद भृगु जी को दर्शन करते हैं। यही है, यही है बाबा की पूरी। ठीक बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम बाबा, जय। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा भृगु बाबा आश्रम का व्यू। आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। वो लोग जरूर कमेंट करें जो पहली बार भृगु बाबा के बारे में जाने हैं। मैंने पूरा कोशिश किया और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वहाँ के बारे में पूरा डिटेल आप लोग तक पहुँचाया जाए, और मैं इसीलिए मैंने बाबा से बात किया और बाबा ने पूरा यहाँ पर भृगु बाबा जी के बारे में पूरा डिटेल से बताया। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लेस पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय भृगु बाबा।